हाई एवरी वन, गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिसंबर का वेट लॉस प्लान, फैट लॉस प्लान। आपका इससे स्ट्रेंथ अच्छा होगा, स्टेमिना अच्छा होगा। ये प्लान हर कोई फॉलो कर सकता है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट प्लान जो है वो कल से स्टार्ट है। सो अगर आप लोग इनरोल करना चाहते हो तो आप मुझे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। लास्ट बैच में बहुत सारे लोगों ने इनरोल किया था और बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन भी आया है। उनकी जर्नी अभी कंटिन्यू ही चल रही है। सो आज हम बात करेंगे ऑल अबाउट विंटर फूड के बारे में। दिसंबर की डाइट प्लान में कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करना है सबसे पहले उसका बारे में बताऊंगी। उसके बाद दिसंबर के प्लान में क्या क्या चीज़ें लेनी है, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कौन कौन सी ड्रिंक्स को इंक्लूड करना है। सो आज हमें आपके साथ टोटली ये सारे चीज़ों के बारे में बात करूंगी। सो दिसंबर के प्लान में सबसे पहले क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। ग्रीन वेजिटेबल्स जो कि विटामिंस एंड मिनरल्स में रिच होती हैं, सो इनको जरूर इंक्लूड करें। एज अ जूस फॉर्म आप ले सकते हो, सूप के फॉर्म में ले सकते हो, स्मूदीज के फॉर्म में ले सकते हो, रोटी के साथ सब्जी ले सकते हो, तो किसी भी फॉर्म में, बट उसको इंक्लूड जरूर कीजिए। रोटी जो आपको लेनी है, या तो आप मक्की की रोटी ले सकते हो या फिर आप बाजरे की रोटी ले सकते हो, तो दोनों में से कोई भी एक फ्लोर आपको चूज करना है। बट मक्की की रोटी आपको डेली बेसिस पे नहीं लेनी है। डेली बेसिस पे आप बाजरा, थोड़ा सा वीट को मिक्स करके उसकी रोटी बना के लें, या फिर आप मक्की की रोटी 10 दिन में एक बार, वीक में एक बार, ऐसे आप ले सकते हैं। उसके बाद लिक्विड बेस्ड चीजें जितने भी होती हैं, जैसे कि सूप्स हो गए, हर्बल ड्रिंक्स हो गई, नॉर्मल वाटर हो गया, ल्यूक वॉर्म, तो ये सारी चीजों को जरूर इंक्लूड करें। बिकॉज ये सारी चीजें विंटर में बहुत इजिली कंजप्शन उसका आप लोग कर सकते हो, जिससे जितना आप ल्यूक वॉर्म चीजें लेते हो आपकी बॉडी उतनी ही इंटरनल से क्लीन होती है। बट मेक श्योर सॉल्ट का कंजप्शन आपको थोड़ा सा कम रखना है, बहुत ज्यादा नहीं रखना। और जो डिनर है स्पेशली, या तो सॉल्ट फ्री रखें या उसमें लेस सॉल्ट को इंक्लूड करें, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग आपको कोई भी वाटर रिटेंशन या इंस्टेंट वेट गेन हो जाता है समटाइम, तो ये चीजें आपको फेस ना करनी पड़े। अगर आप कोई भी वाटर या कोई भी ड्रिंक लेते हैं तो एक चीज का ध्यान रखें कि आपने उसको हमेशा सिप सिप करके आराम से लेना है। जब आप एक ऐसा सोच लेते हैं मुझे पानी पीना और फटाफट उस पानी को कंजप्शन करना शुरू कर देते हैं, तो वाटर रिटेंशन हो जाता है, जिससे एक जगह पे बॉडी जो है वो पानी को स्टोर कर लेती, जिससे ऑटोमेटिकली स्केल पे आपका वेट ज्यादा दिखना शुरू हो जाता है। सो गोंद कतीरा बहुत अच्छा होता है विंटर्स में लेना, एज ए लड्डू के फॉर्म में आप लोग उसको जरूर इंक्लूड कीजिए। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू आप लोग जरूर ले, बट ड्राई फ्रूट्स के लड्डू अच्छे हैं, बट मेक श्योर पोर्शन साइजेस मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो आपको एक छोटा सा 20 से 25 ग्राम का लड्डू बनाना है, या फिर कुछ लोग छोटे छोटे से ऐसे छोटे छोटे लड्डू बना लेते हैं, अगर मीठे की कुछ क्रेविंग्स होती है तो उससे आप लोग दूर कर सकते हो, बट पोर्शन इज द की। सो इसलिए पोर्शन साइज का ध्यान जरूर रखें। सीड्स को जरूर इंक्लूड करें, अप्रॉक्स 5 to 7 ग्राम्स ऑफ सीड्स आपकी डाइट में जरूर होनी चाहिए। आप उसको हल्का सा रोस्ट कर ले, अपनी रोटी में डाल सकते हैं, अपने सब्जियों के ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं, अपने कर्ड में डाल सकते हो, तो किसी भी फॉर्म में आप लोग उसको इंक्लूड कर सकते हैं। आंवला जरूर लें, और अगर आपका हेयर फॉल या स्किन का कोई इश्यू है, बैक पेन होता है, तो ओमेगा 3 फिश ऑयल जो आता है कैप्सूल, उसको जरूर इंक्लूड करें। वो कोई मेडिसिन नहीं है, आपका एक हेल्थ सप्लीमेंट है जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए है। बट मेक श्योर अगर आप उसको रात को ले रहे हो, तो रात में अगर आप ले रहे हो तो आपका दूध नहीं होना चाहिए। विटामिन सी रिच फ्रूट्स जितने भी होते हैं जो अभी अवेलेबल हैं, उनको जरूर इंक्लूड कीजिए। आंवला का जूस जरूर लें, या फिर आप लोग आंवला बॉइल करके, स्टीम करके, सॉल्टेड करके, तो जिस फॉर्म में आपको पसंद है आप लोग उसको ले सकते हैं। ओके, सो उसके बाद बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। अभी बहुत अच्छी धूप है, जिन सिटीज में विंटर्स हैं तो उन सिटीज में बहुत अच्छी धूप है, तो आप लोग बैल्कनी में, टेरेस पे बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं, ताकि आपके बॉडी में विटामिन डी जो है, या विटामिन डी की अगर आपको डेफिशिएंसी है या नहीं है, बट फिर भी अपनी धूप जरूर लें, ताकि आपकी बॉडी को विटामिन डी मिल सके और आपकी सारी प्रॉब्लम्स या पेन्स ठीक हो सके। हेल्दी फैट्स, कोकोनट ऑयल, देसी घी, मस्टर्ड ऑयल, जो भी आपके सीजनल अवेलेबल होता है, जो भी चीजें, स्पेशली देसी घी इस सीजन में आप लोग जरूर खाएं, वो आपके ज्वाइंट्स पेन के लिए, आपकी बॉडी पेन के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो जितनी भी सब्जी आप लोग खा रहे हो उसको देसी घी में बनाओ तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बट पोर्शन साइज का ध्यान रखें। हम वेजिटेबल्स ईच मील में हाफ पोर्शन जरूर इंक्लूड करो, आपकी पैलेट का हाफ पोर्शन जो है वो आपकी सब्जियों का जरूर होना चाहिए। उसको एज अ सॉल्टेड फॉर्म ले सकते हो, स्टीम्ड फॉर्म ले सकते हो, ग्रिल्ड फॉर्म ले सकते हो, सैलेड की फॉर्म में ले सकते हो, रोटी में डाल सकते हो, तो किसी भी फॉर्म में आप लोग, बट उसको इतना ज्यादा कुक ना करें कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो हो जाए। सो उसको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। प्रोटीन आपकी फैट लॉस में तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपका स्ट्रेंथ, आपका स्टेमिना बढ़ाने वाला है, तो प्रोटीन आपकी ईच मील में होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
इन्फ्यूज वाटर, मैंने एक फोटो शेयर किया था आपके साथ, तो उस इन्फ्यूज वाटर को अपनी रूटीन में बनाए रखें, और अपनी डेली रूटीन में जो डिटॉक्स वाटर, इन्फ्यूज वाटर वही है जो डिटॉक्स वाटर, मैंने आपके साथ एक छोटा सा फोटो जिसमें मैंने काफी सारे डिटॉक्स लिखे थे, तो वो अपने डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए। और आप चाहो तो मेरी प्रोफाइल या मेरे पेज पे आप लोग देख सकते हो, वहां पे मेंशन है। प्रोबायोटिक रिच चीजें जैसे कि दही, बटर मिल्क, एप्पल साइडर विनेगर, फर्मेंटेड फूड जैसे इडली डोसा जो होते हैं, उन चीजों को जरूर इंक्लूड कीजिए, इससे आपकी गट हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। आयरन रिच फूड्स को जरूर ले जैसे कि बीटरूट, चुकंदर अपने डाइट में, या उसका डिटॉक्स वाटर आप लोग ले सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स को जरूर इंक्लूड करें। सो अभी बात करते हैं डाइट प्लान में क्या क्या चीजें लेनी है। सुबह उठ के जो पहले 15 दिन होंगे आपने उसमें लेना है ल्यूक वार्म वाटर, सिंपली पानी लेना है, हल्का सा वार्म करना है, उसको सिप सिप करके आराम से बैठ के पीना है। नेक्स्ट 15 डेज में आपने लेना है मेथी दाना का पानी। सो अगर आपको थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, हॉर्मोनल इशू है तो ये प्लान आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। सो बाकी सब भी आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, बट बाकी सब इस चीज में सब कुछ ले सकते हैं, बट जिनको थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, हॉर्मोनल इशू है वो मिल्क को थोड़ा सा अवॉइड करे, क्रूसीफोरस वेजिटेबल्स थायराइड वाले को थोड़ी सी लिमिटेड फॉर्म में लेनी है, और ब्रेड वगैरह चीजें पीसीओडी एंड पीसीओएस वाले को थोड़ा सा अवॉइड करनी है। सो नेक्स्ट 15 डेज में आपको लेना है मेथी दाना का पानी, ओवरनाइट उसको इन्फ्यूज करना है, क्वांटिटी रहेगी उसमें हाफ टीस्पून से आप स्टार्ट करोगे, धीरे 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 उसको 1 टीस्पून पे लेके जाना है, ओवरनाइट सोक करें, नेक्स्ट मॉर्निंग उसको ल्यूक वार्म करें, छान के उसको सिप सिप करें। लेकिन जो मेथी दाना वो आपको फेंकना नहीं है, वो आप किसी भी सब्जी या किसी भी फॉर्म में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। आफ्टर 10-40 मिनट्स आपको 40-45 मिनट्स आपको लेनी है 5 एलमंड्स, 2 रेजिन्स, रात को भिगो के रखना, रो फॉर्म में उसको कंजप्शन ना करना। जिस दिन नहीं भिगोए हो तो सुबह भिगो लो और शाम को ले लो, अगर भिगोए हैं तो 5 बादाम और 2 रेजिन्स आपको भिगोनी है और नेक्स्ट मॉर्निंग उसको लेनी है। मेक श्योर आपका ब्रेकफास्ट और जो लंच है उसमें आपका प्रोटीन, आपकी कार्बोहाइड्रेट्स, आपकी सब्जियां, आपकी हेल्दी फैट्स, ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, तो ही जाके कब का परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो परमानेंट होने वाला है, अगर आप उसको मेंटेन रखोगे। दैट्स मीन फैट्स के लिए आपको यूज करना है देसी घी, जो रहेगा अप्रोक्सीमेटली आपके थंब के साइज इतना साइज, और जो आपकी सब्जियां हैं 2 हैंडफुल आपकी सब्जियां रहेंगी, 1 हैंडफुल आपका प्रोटीन रहेगा, और 1 हैंडफुल से थोड़ी सी कम आपकी कार्बोहाइड्रेट्स। आप प्रोटीन क्या है, दाल, राजमा, छोले, पनीर, टोफू, एग्स, चिकन, सी फूड, जितने सारे हमारे प्रोटीन्स ही हैं। उसके बाद जो आपका कार्ब्स है वो है आपकी रोटी, आपकी राइस, आपकी दलिया, आपका किनुआ, पोहा, ये सारी चीजें जो है वो हमारी कार्बोहाइड्रेट्स, और फाइबर में आता है हमारी सब्जियां। दैट्स मीन अगर आप पोहा बना रहे हो 2 हैंडफुल ऑफ वेजिटेबल्स, 1 हैंडफुल से थोड़ा सा कम पोहा, और 1 हैंडफुल आपका पनीर, दैट्स मीन प्रोटीन, तो ऐसे आपको एक बैलेंस मील करना है। आप मान मेथी की रोटी और साथ में आप थोड़ी सी पनीर की भुर्जी ले सकते हो, बेसन का रैप बना के ले सकते हो, बेसन का चीला बनाओ, बट उस बेसन में आपको पालक या फिर मेथी इंक्लूड करनी है, उसका चीला बनाना है, साथ में उसकी पनीर की स्टफिंग करके उसको रोल कर सकते हो। उसके बाद आप सूजी का उपमा ले सकते हो, ओट्स का उपमा बना के ले सकते हो, बट साथ में आपको प्रोटीन और सब्जियां, ये दोनों चीजें इंक्लूड करनी है, तभी जाके वो बैलेंस डाइट बनने वाली है। कोई भी फ्रूट की स्मूदी बना के ले सकते हो जिस दिन आप लोग डिटॉक्स करो, इडली ले सकते हो, 2 ओट्स की इडली सांबर, आप रेसिपी कोई भी यूज करो, बट मेन चीज क्या है, पोषण कंट्रोल। आप किसी भी फॉर्म में उसको बनाओ, बट आपका जो पोषण है वो परफेक्ट होना चाहिए, और आपका जो मील है वो बैलेंस होना चाहिए, मेन चीज ये ही इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आप चने का सैलेड, व्हाइट चने का सैलेड या फिर ब्लैक चने का सैलेड, राजमा का सैलेड, ये सारी चीजें भी ले सकते हो, स्प्राउट्स का सैलेड, चीला बना सकते हो, ओट्स का चीला विद पनीर भुर्जी, मूंग दाल के छोटे छोटे से चीले, ग्रीन मूंग दाल का चीला या फिर येलो मूंग दाल का चीला, ओके। एंड उसके बाद आप दलिया ले सकते हो विद लोड्स ऑफ वेजिटेबल्स, या फिर 2 एग्स का ऑमलेट ले सकते हो प्लस 1 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड, ठीक है। इसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। आप अपना पोर्शन साइज चेक करो, क्या नाम है आपका, आपका अगर पोर्शन साइज सही नहीं होगा तो वेट लॉस नहीं होगा। जब आप पोर्शन साइज कम लेते हो तो आपका मेटाबॉलिक रेट डाउन चला जाता है, जब आप पोर्शन साइज एक मेंटेनेंस स्टेज पे लेते हो तो आपका वेट लॉस नहीं होता, स्टक होता है। जब आप पोर्शन साइज अपनी हाइट, अपनी एज, अपने के उसके अकॉर्डिंग लेना शुरू करते हो तो जाके आपका वेट लॉस होता है। अगर आप बीच में चटन पटन कर रहे हो तो वेट लॉस नहीं होने वाला है। अगर आप सेम वर्कआउट वही रिपीट करते जा रहे हो तो वर्कआउट वही सेम करने से वेट लॉस नहीं हो रहा है। सो बहुत सारे रीजन होते
होते हैं जिसकी वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, उसको आप जानिए और उस पर आप काम करना शुरू कीजिए। एंड ये रही हमारी ब्रेकफास्ट की ऑप्शंस, उसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। इफ यू आर ए टी लवर तो आफ्टर 10 to 15 मिनट्स आप लोग चाय कॉफी को इंक्लूड कीजिए, बिकॉज अगर आप लोग चाय या कॉफी अपने मील के साथ लेते हो तो उसका न्यूट्रिशन जो है वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज का ध्यान आपको जरूर रखना है। अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो, आपके न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हो, तो कैफीन को कभी मील के साथ आप लोग ना लें। अगर नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड या फिर कोई भी हॉर्मोनल इश्यू, पीरियड्स इरेगुलर है, तो आपने क्या करना है, आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ ब्रेकफास्ट आपको क्या करना है, थोड़ा सा अश्वगंधा लेना है, देसी कांड बिल्कुल हल्की सी लेनी है और सावित्री लेनी है, और इन सबको मिक्स कर लेना है। उसके बाद एक गिलास गर्म पानी के साथ या फिर ग्रीन टी के साथ आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ ब्रेकफास्ट आपको 1 टीस्पून इसका अपने ग्रीन टी या गर्म पानी के साथ उसको लेना है, ताकि आपके हॉर्मोन्स बैलेंस में आने शुरू हो जाए। सावित्री, उसके बाद अश्वगंधा और थोड़ी सी देसी कांड, इन तीनों को मिक्स करके एक पाउडर बना के रख लीजिए। 12 बजे आपको लेना है 1 सीजनल फ्रूट, जो भी सीजनल फ्रूट आपकी सिटी में इजीली अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं, या फिर आप 3 से 4 फ्रूट को मिक्स करके एक छोटे से पोर्शन में आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। जब आप 3 से 4 फ्रूट्स मिक्स करके लेते हैं पोर्शन में, तो आपको काफी ज्यादा न्यूट्रिशन भी मिलता है, न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, और आप ऑटोमेटिकली काफी जितनी भी चीजें हैं उसको अच्छे से कंजप्शन कर पाते हैं। तो जब आप वेजिटेबल्स भी लेते हैं, स्पेसिफिक एक वेजिटेबल आप मत लो, आप 5 to 7 जब वेजिटेबल्स लोगे, जितनी आप कलरफुल चीजों जैसे फ्रूट्स अपना खाना बनाओगे, वो देखने में तो अच्छा लगेगा, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, उसके न्यूट्रिएंट्स भी आपके बॉडी को मिलेंगे। और जितने भी फ्रूट्स एंड सब्जियां होती हैं एंटीऑक्सीडेंट रिच होती हैं, खूब विटामिन्स मिनरल से भरी होती हैं। सो 12 बजे आपको लेना है 1 फ्रूट, कोई भी सीजनल फ्रूट या मिक्स फ्रूट, या और 4 बजे का स्नैक जो होता है इवनिंग स्नैक, आप चाय, कॉफी, ग्रीन टी, जो भी आपको प्रेफर करते हो, हर्बल टी वो आप ले सकते हो, 1 नॉर्मल कप जो आता है वो। साथ में आपको लेने हैं 5 ग्राम्स ऑफ रोस्टेड सीड्स, वो आप पूरे डाइट में किसी भी टाइम इंक्लूड कर सकते हो। आप साथ में लोगे एक ड्राई फ्रूट का लड्डू, आप मेरे यूट्यूब पे जाना dt.sanwalishanma, वहां पे मेंशन है नट्स एंड सीड्स का लड्डू, उसमें एक नॉर्मल छोटे साइज का लड्डू बनाना 20 से 25 ग्राम, और वो अपने डाइट में इंक्लूड करना, ठीक है। या फिर आप कोई भी रोस्टेड घर का बना हुआ पफ्ड राइस, रोस्टेड चना, रोस्टेड पीनट्स, थोड़े से पीनट लेने, बहुत ज्यादा नहीं, रोस्टेड मखाना, कैरेमलाइज मखाना वो आप ले सकते हो, जिसको हम जैगरी मखाना बोलते हैं। तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। लंच जो हम इंडियंस का रहता है रोटी या राइस, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करें। रोटी मैंने जैसे बताया, आप बाजरे की रोटी ले सकते हैं वंस इन अ वीक या 10 डेज में एक बार आप लोग मक्के की रोटी भी ले सकते हैं। अब रोटी के साथ साथ आपको एक प्रोटीन जरूर लेना है, दाल, राजमा, छोले, पनीर, चिकन, एग्स, लोबिया, सोया, जो भी आपको पसंद है, एक कटोरी उसके लिए, और एक बड़ी कटोरी अपनी सब्जी या सैलेड या सॉटेड वेजिटेबल्स, जो भी आपको पसंद है उसकी फॉर्म में एक बड़ा कटोरा उसका ले, और एक छोटी सी कटोरी दही की जरूर ले। तो ये आपका बन जाएगा कि बैलेंस मील। अब जो ऑयल और घी है, जो मैं बोलती हूँ कि एक स्पेसिफिक आपको बहुत ज्यादा नहीं लेना है, तो अब जो आपका आप घी यूज कर रहे हो या ऑयल यूज कर रहे हो, उसको प्रोटीन में हमेशा डालो। वेजिटेबल्स जो मैं हमेशा बोलती हूँ एज अ हल्का सा सॉर्टेड करो, तो इतना ऑयल गेन नहीं लगता है, वो आपके लिए वैसे भी खानी ऐसी अच्छी होती है, या फिर आप एज अ सैलेड फॉर्म इंक्लूड करो। जो आपका ऑयल और घी है वो हमेशा आपको प्रोटीन में, आपके दाल में, आपके राजमा, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। अगर आपको प्रोटीन लेने से कोई भी एसिडिक इश्यू आता है, एसिडिटी हो जाती है, ब्लॉटिंग हो जाती है, तो थोड़ा सा लेमन को स्क्वीज जरूर कीजिए आप लोग, ओके। वेरी गुड तनु कुमारी, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है आपका, वेरी गुड। या फिर अगर आप लोग रोटी नहीं लेना चाहते हो, तो उस टाइम पे आप लोग वेजिटेबल प्रोटीन पुलाव बना सकते हो, उसमें पनीर, उसमें सब्जियां, ये सारी चीजें इंक्लूड करके विद कर्ड ले सकते हो, या फिर आप राजमा के साथ चावल, दाल के साथ राइस, साथ में सैलेड या सब्जी, ऐसे भी अपना मील बना के ले सकते हो। आफ्टर 40 मिनट आपको लेना है, एक मैंने कल ड्रिंक शेयर की थी, तो उसमें थोड़ा सा जिंजर, थोड़ा सा टर्मरिक और मैंने लेमन पील डाला था, और उसको अच्छे से बॉईल करके एक ड्रिंक बनाई थी, जो आपको लेनी है आफ्टर 40 मिनट्स ऑफ लंच। और आफ्टर डिनर की जो ड्रिंक है वो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। जब आप डिनर करने बैठते हो, तो डिनर से आधा घंटा पहले आपको लेना है एप्पल साइडर विनेगर। जिन लोगों को हॉर्मोनल इश्यू है, अगर आप लोग भी लेना चाहते हो, अगर आपके बॉडी को सूट करता है, तो जरूर लीजिए। जो भी एप्पल साइडर विनेगर लें,
उसमें सस्ते वाले भी बहुत आते हैं, तो बट उसमें मेक श्योर विद मदर मेंशन होना चाहिए। जैसे जो मैं मोस्टली यूज करती हूँ ब्रैक कंपनी का है BRAGG, वो बहुत अच्छा होता है लेना। तो जो भी आपको पसंद है या आपके सिटी में इजिली अवेलेबल है या ऑनलाइन आपको मिलता है तो जरूर लीजिए। एक ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर का है, एक चम्मच लीजिए। एक बड़ा गिलास, इतने साइज का गिलास लें, उसमें ल्यूक वॉर्म वाटर इंक्लूड करें, एप्पल साइडर विनेगर डालें और उसको सिप सिप करके आराम से बैठ के पिए और उसके बाद आप लोग अपना डिनर लीजिए। ठीक है, डिनर जो है उसमें हम कार्ब्स नहीं लेंगे। या तो डिनर आप लोग लाइट लो या कार्ब फ्री लो, वो आपकी मर्जी है। दैट्स मीन उसमें आप बाउल ऑफ फ्रूट्स, पपाया, कीवी, पाइनएप्पल ले सकते हो, फ्रूट्स की स्मूदी बना के ले सकते हो, या फिर प्रोटीन रिच लीजिए जैसे कि दाल और वेजिटेबल का सूप। दाल को बॉइल किया, सब्जियों को सॉर्टेड किया, मिक्स किया, हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड किया, उनको सूपी फॉर्म में जैसे बॉइल किया उसका सूप ले लिया, या पनीर टिक्का ले लिया, 2 boiled eggs ले लिए, 2 eggs का ऑमलेट ले लिया, या फिर पनीर के साथ थोड़ी सी सब्जियों को हल्का सा सॉर्टेड कर लिया, या एक कटोरी दाल ले ली, साथ में आपने खूब सारा सैलेड ले लिया, या सूप बना लो साथ में थोड़ा सा पनीर ले लो, या फिर आप लोग एक बहुत ज्यादा भूख है तो एक रोटी के साथ पनीर भुर्जी ले लो। बाकी इसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं जिससे आपको बहुत अच्छा। इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो यू कैन एड चिकन, ग्रिल्ड चिकन, रोस्टेड चिकन, दही चिकन, जो आपको पसंद है। लेस ऑयल में बना होना चाहिए। पालक का सूप ले सकते हो, पालक पनीर का सूप बना के ले सकते हो, दाल पालक का सूप बना के ले सकते हो। सो नाइट ड्रिंक में आपको लेना है सौंफ, जिंजर, वाटर। अगर आप लोग को भूख लगती है, अगर आपको कोई हार्मोनल इश्यू नहीं है, थायराइड पीसीओडी पीसीओ इसका कोई इश्यू नहीं है, तो आप रात को थोड़ा सा खसखस को रोस्ट करें, उसमें इतना सा कप मिल्क डालें, उसमें हल्दी डालें और उसको अच्छे से बॉईल करके उसका मिल्क जरूर लें। विंटर्स में लेना बहुत अच्छा है, फ्रेश टर्मरिक मिलता है तो सबसे अच्छी चीज है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप बच्चों को दे रही हैं तो उसमें एक चम्मच छोटा सा देसी घी जरूर इंक्लूड करें, आपके बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी इससे। और ये प्लान जो होते हैं, आप लोग पूछते हो कितना वेट लॉस होगा उससे, आप जितने अच्छे से उसको फॉलो करते हो उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। कुछ लोग एक महीने में 5 किलो भी कम करते हैं, तो कुछ लोग एक महीने में 7 किलो भी कम करते हैं, कुछ लोग एक महीने में 2 किलो भी कम करते हैं। डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी, आप कितने अच्छे से फॉलो कर रहे हो, आपका मेटाबॉलिक रेट कैसा है, आपने कितनी एक्टिविटी लेवल रखा, आपने पोर्शन साइज का ध्यान रखा, तो ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। मेक श्योर डाइट के साथ साथ 1 घंटे का वर्कआउट और पूरा दिन एक्टिव रहे। 1 घंटे का वर्कआउट करके अगर आप पूरा दिन बैठने वाले हो तो आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल काउंट होता है। आप वॉक कर सकते हो, आप जहां लिफ्ट यूज करते हो स्टेयर्स को यूज कीजिए, आप जहां पे पूरा दिन बैठे रहते हो तो थोड़े से अपनी एक्टिविटी करें, अपनी बॉडी को स्ट्रेच आउट जरूर करें सुबह उठ के ताकि उसमें पेन्स ना लगे। या फिर आप अपने मील के बाद थोड़ा सा वॉक कर सकते हो, 10 मिनट 15 मिनट्स। आप कहीं शॉपिंग करने चाहते हो तो एक्टिवा या बाइक या गाड़ी थोड़ा सा दूर पार करें। उन चीजों को अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाएं। वजन कम करने के लिए डाइट किया तो क्या किया, उसके बाद फिर बाउंस बैक आने वाला है। लेकिन जब आप ये चीजें अपने लाइफस्टाइल में लेके आते हो तो आपको परमानेंट रिजल्ट मिलते हैं। जो लोग सिर्फ शादी के लिए वजन कम कर रहे हैं या गोवा का ट्रिप के लिए कर रहे हैं, वो सिर्फ 1 महीने के लिए 5 किलो कम करेंगे और उसके बाद डबल 10 किलो बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि वो शादी के लिए पतला हो रहे हैं। तो वो चीज आपको नहीं करनी है। अगर करनी है तो लाइफस्टाइल का पार्ट बनाओ, या टाइम पास करने के लिए नहीं कि उसका भी डाइट ट्राई करके देखते हो कि कितना रिजल्ट आता है, तो ये चीजें मत करें। इससे करवाने वाले का टाइम वेस्ट होता है, आपका तो पता नहीं, क्योंकि आप लोग टाइम वेस्ट करते हो तो उससे हमारा भी टाइम वेस्ट होता है। सो अगर आप दिल से करना चाहते हो तो उसको लाइफस्टाइल का पार्ट बनाएं, उस दिल को अच्छे से उस प्लान को फॉलो करें और धीरे धीरे ये सारी चीजें 1 मंथ के प्लान में आपको नहीं सीख, आप सीख लोगे, लेकिन ये जो आदतें हैं ये आपका लाइफस्टाइल बनानी पड़ेंगे और उसको स्लोली आपकी लाइफ में आप लोग लेके आ सकते हो। एकदम से मैं आपको बोलूं कि आप ये फॉलो करो और 5 किलो कम करो और उसके बाद क्या, फिर पूछते हो वो लाइफस्टाइल पे वापस आ सकती हूँ? अरे उसी से तो वजन बढ़ाया, उसमें कैसे वापस आओगे आप लोग? आपको जो सिखाया जाता है वो ही असली तरीका है खाने का, तो उस चीज को आप लोग समझिए। सो नेक्स्ट थिंग इज, डाइट प्लान फॉलो कर लिया मैंने, वर्कआउट भी कर लिया, फिर भी मेरा वजन कम क्यों नहीं हो रहा है? दैट्स वाई, बिकॉज आप 8 घंटे की नींद पूरी नहीं कर रहे हो। जब आप 8 घंटे की नींद पूरी नहीं करोगे, आपका ऑर्गन्स अच्छे से काम कैसे करेंगे अगर आप उनको रेस्ट नहीं दोगे? मशीन्स जो होती है उनको भी हम चलाते हैं, फिर भी उनको रेस्ट देते हैं ना कि थोड़ी देर मशीन ठंडी हो जाए। वैसे ही आपकी बॉडी है तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। 1 किलो भी कम करती है तो थैंकफुल होइए अपनी बॉडी का। ये नहीं कि मेरी बॉडी कैसी है यार, 1 किलो ही कम किया है, नहीं,
हमेशा अपनी बॉडी को अप्रिशिएट कीजिए, उसका थैंकफुल होइए, तो ही बॉडी भी आपकी वैल्यू तभी करेगी। तो हर चीज के लिए जो भी चीज भगवान आपको देते हैं, आपकी बॉडी आपको दे रही है, उसका थैंकफुल। और अपनी बॉडी को भी अगर आप 100% देंगे ना, तो आपकी बॉडी आपको 100% पॉजिटिव फीडबैक देने वाली है। तो ये चीज को अपनी रूटीन का पार्ट बनाएंगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो उसके बाद आपको क्या करना है, मैं कोई भी कीटो डाइट नहीं प्रेफर करती, बिकॉज होती है अच्छी, 10 किलो कम कर देती है, बट वो हमारा लाइफस्टाइल ही नहीं है। हम इंडियंस, हमारी रोटी, हम चावल, उसके बिना नहीं रह सकते, मैं तो नहीं रह सकती, इसलिए मैं कोई भी कीटो डाइट प्रमोट भी नहीं करती और ना मैं किसी को बोलती हूँ। सो मेक श्योर अपने खाने को आप लोग अच्छे से च्यू करें, बहुत जरूरी है। अपने ऑर्गन्स को रेस्ट देने के लिए आप लोग क्या करें, नींद जरूर पूरी करें, फुल डे मूवमेंट रखें, चलते फिरते रहें। बुढ़ापे में भी आपको बैठने की जरूरत तब पड़ेगी, अगर आप पूरा दिन आलस होकर 30-40 साल तक अगर बैठे हो ना, तो बुढ़ापे में तब बैठने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप 40 साल तक चलते फिरते रहोगे ना, तो चलते फिरते और फुली एक्टिव ही रहोगे आप फुल एज्ड भी हो जाओगे। तो सो हमेशा चलते फिरते रहो, एक्टिव रहो, एक्टिविटी कुछ ना कुछ करो, जो भी पॉसिबल है आपके लिए, योगा, एक्सरसाइज, कुछ भी 30-40 मिनट उसको जरूर इंक्लूड कीजिए। अपने खाने को चबा के आराम से खाइए। अब बहुत सारे लोग बोलते टाइम नहीं है, आप जो भी काम कर रहे हो आज, जो भी जिस भी प्रोफेशन में आप लोग हो, जॉब है या फिर आपका खुद का बिजनेस है, वो किसके लिए है, इसलिए है ना कि आप लोग एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सको, आप एक अच्छा खाना खा सको घर पे। लेकिन अगर चैन से बैठकर खाना खाने का टाइम नहीं है, तो उस बिजनेस का या उस काम का हम क्या करेंगे। तो अगर चैन से बैठकर आप खाना खाओगे, अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करोगे, तो ही आप कोई काम कर पाओगे। ये चीज हमेशा याद रखें और अपने खाने को फर्स्ट प्रेफरेंस दें। जब भी आपके खाने का टाइम होता है, 9 बजे, 2 बजे, 8 बजे, आराम से बैठे, सब चीजों को छोड़ के जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, उसको टाइम जरूर दें। और हमेशा थैंकफुल हूं गॉड का कि आपको ये सब कुछ मिला है, और उस खाने की रिस्पेक्ट कीजिए और उसको दिल से खाइए। पानी अच्छा पीने, 3 लीटर पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो 3 लीटर पानी अपनी रूटीन में जरूर इंक्लूड कीजिए, ताकि आपके बॉडी हाइड्रेट रह सके, आपके ऑर्गन्स अच्छे से क्लीन हो सके, आपकी बॉडी टॉक्सिन फ्री हो सके। जितना पानी आप पियोगे, आपकी स्किन को कोई प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना हेल्दी खाना आप खाओगे, ओके, इतना आप लोग, जितना हेल्दी खाना आप लोग खाओगे, आपकी स्किन, आपके हेयर्स उतने अच्छे रहेंगे, आपके मसल्स उतने अच्छे होंगे, आपकी बॉडी उतनी अच्छी होगी। सो अगर आपको भूख लगती है, तो होममेड रोस्टेड स्नैक आप लोग इंक्लूड कीजिए, वो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद अपनी नींद, अपना विदाउट डिस्ट्रेक्शन खाना खाएं, जो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लाएंगे। सो ऑल डन फ्रॉम माई साइड। आपके जो भी क्वेश्चन है, मैं एक बार देख लेती हूँ। दैट्स गुड स्मृति जी, थैंक यू सो मच सुनीता। हाय तनु भी मेरी क्लाइंट थी, इसने बहुत अच्छा वेट लॉस किया है, वेरी गुड तनु। तनु कुमारी आपका बहुत अच्छा, तनु अहूजा ने भी बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया, ये भी मेरी क्लाइंट थी। तनु कुमारी मेरी क्लाइंट नहीं, मेरी फॉलोअर आई थिंक, या हाय मैम, आई फॉलो यू, आई स्टार्टेड माय वेट लॉस जर्नी इन मंथ ऑफ सितंबर, 72 kg विथ 44 inches, नाउ आई एम 63 to 64। वेरी गुड तनु, प्राउड ऑफ यू। देखो, किसी भी चीज के लिए आपको स्पेसिफिक प्लान बनाने की जरूरत नहीं है, जब तक आप लोग एक अच्छा कंसिस्टेंट आपको रहना बहुत जरूरी है। डिटॉक्स ड्रिंक्स मैंने शेयर किए हैं, आप मेरे पेज पे जाओ, वहां पे मैंने एक पोस्ट शेयर किया हुआ जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सब डिटॉक्स ड्रिंक्स शेयर किया, तो आप वहां पे जाके चेक करो, आपको मिल जाएंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ, अब मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, सच बोलूं, और कि मैम क्या करें हम लोग वेट लॉस करना है, थोड़ा सा प्लान का रेट कम कर दो, या थोड़ा सा आप रेट में डिस्काउंट ला दो। मेरी बात सुनो, जब आपको वेट लॉस का प्लान दिया जाता है कस्टमाइज, ठीक है, वो आपकी मर्जी होती है लेना ना लेना, उसमें बहुत मेहनत लगती है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि एक प्लान फॉलो कर लो, या फिर मेरी फ्रेंड ने किया, बट सबका प्लान अलग होता है, उसको बनाने में आपको गाइडेंस देना, आपको साथ हमें सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, आपकी क्वेरीज होती है, उसका रिप्लाई करना, तो उसमें भी मेहनत लगती है हमारी, तो वो चीजों का। बाकी ये नहीं है कि आपको स्पेसिफिक हमारे पास प्लान लेना है। एवरी मंथ मैं आपके साथ प्लान शेयर करती हूँ, और बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से प्लान नहीं लिया है, बट फिर भी मेरी वीडियोस को देख के 25 किलो, 20 किलो, 29 किलो, 18 किलो, 19 किलो वेट कम किया है।
अब कुछ फैमिलीज ऐसी होती जो फोटो शेयर करने से मना करती हैं, सो हम लोग वो पोस्ट नहीं कर सकते, बट उनकी जो फीडबैक्स होते हैं वो मैं अपनी स्टोरी पे जरूर लगाती हूँ। वेरी गुड सुनीता जी, आपने 2 kg लॉस किया, वेरी गुड। यस, आप मिल्क ले सकते हो, अगर कोई हार्मोनल इश्यू नहीं है तो आप मिल्क को इंक्लूड कर सकते हो। सो अगर आप लोग दिल से फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। रोटी जो आपको लेनी है, अगर विंटर्स हैं तो बाजरा की रोटी लेनी या फिर रागी की रोटी ले सकते हो, तो कभी कभी मन हो तो मक्के की रोटी भी इंक्लूड कर सकते हो। डाइट प्लान का मेरा प्राइस रहता है 2000 rupees पर मंथ, नेक्स्ट ईयर से हमारे प्राइस थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे, सो आफ्टर दिसंबर January 1 से। अगर आप लोग इनरोल करना चाहते हो तो कल से हमारा एक बैच शुरू है, तो आप लोग कर सकते हो। बाकी इस प्लान को फॉलो करो। विंटर्स में वजन कम करना लोग बोलते हैं मुश्किल है, लेकिन मैं बोलती हूँ बहुत आसान है, क्योंकि इस टाइम पे आप लोग ल्यूक वार्म चीजें, सूपी फॉर्म में ल्यूक वार्म वाटर्स, बहुत सारी हर्बल ड्रिंक्स, ये सारी चीजें कंजप्शन कर लेते हो। लेकिन आप दिल से उसको फॉलो करोगे ना, 4 kg 5 kg आराम से कम हो जाएगा। मल्टीग्रेन की रोटी मैं प्रेफर नहीं करती, बिकॉज जो उसमें आटे होते हैं ना, बहुत सारे आटा होते हैं, तो उसमें ब्लॉटिंग का इशू है, कोई भी चीजों का इशू आ जाता है गट के रिगार्डिंग। सो अगर आपको रोटी लेनी है, बाजरे की रोटी ले, इतना सा बाजरा, इतना सा गेहूं डालें और इतना सा ओट्स, ऑप्शनल होता है, ओट्स डालने की जरूरत नहीं होती, वो मर्जी होती है, वो ले सकते हो। या फिर रागी की रोटी सेम एज इट इज, 50-50 से स्टार्ट करो, धीरे धीरे उसको 80% रागी करो, 20% गेहूं करो, वो रोटी लो, कैल्शियम रिच है, बहुत अच्छी है, अगर प्रेग्नेंट हो तो भी ले सकते हो। पूरी फैमिली 365 days रागी की रोटी ले सकते हो, कोई नुकसान नहीं है उसका, अगर आपकी बॉडी को सूट करती है तो इसमें से कोई भी एक रोटी आप ले सकते हो। बाकी प्लान को अच्छे से फॉलो करो, एक्टिविटी बढ़ाओ, विदाउट डिस्ट्रैक्शन खाना शुरू कीजिए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कार्ब्स लो, आप कार्ब्स कोई बुरे नहीं होते हैं लेने, कार्ब्स बहुत अच्छे होते हैं लेने। क्या मैम 1 month का प्लान एक बार में दे देंगी आप? 10-10 days का प्लान आपको दिया जाता है, 10 days के बाद आपका प्लान चेंज होता है, एंड every 9 days पे आपने हमें वेट अपडेट करना होता है। अगर आप मेरे प्लान में इनरोल कर रहे हो तो डेली की मील पिक्स, आपके वर्कआउट के अपडेट मुझे डेली चाहिए, उसके बिना मुझे नहीं पता आप क्या फॉलो कर रहे हो। अंजू जी, कार्ब्स बंद नहीं करने, कार्ब्स अच्छे होते हैं, मोटिवेशन में कार्ब्स लोगे तो कोई नुकसान नहीं करेंगे। वीट ब्रांड एंड वीट फ्लोर मिक्स करके ले सकते हो आप, कोई नुकसान नहीं है उसका, ले सकते हो आप आराम से। चोकर के आटे की रोटी भी बना के ले सकते हो, मिलेट की रोटी भी ले सकते हो, तो जो रोटी आपकी बॉडी को सूट करती है सबसे पहले वो चीजें ले। पानी का इंटेक अभी लोग कम कर रहे हैं, तो इन्फ्यूज वाटर जरूर बना के रखें ताकि आपका इंटेक ज्यादा हो सके। तो जितना पानी आप पियेंगे उतना अच्छा है, बट कभी भी घटाघट पानी ना पिए, सिप सिप करके पिए। जब आप घटाघट पानी पीते हैं ना तो वाटर रिटेंशन हो जाता है, तो ये छोटी छोटी सी चीजों से आपकी झरनी खराब हो जाती है, तो जिसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि स्पेशलिस्ट स्किन के लिए, हेयर्स के लिए कोई डाइट आप बताएं। स्किन और हेयर्स को अच्छा रखना है तो अंदर डालना बहुत अच्छा है, प्रोटीन सबसे अच्छा है। कोई भी तेल, कोई भी मेडिसिन, कोई भी चीज तब तक वर्क नहीं करने वाली, कोई भी हेयर स्पा, कोई भी आपके ट्रीटमेंट, जब तक आप अंदर नहीं डालोगे। वो काम करते हैं थोड़े टाइम के लिए, ऊपर से करेंगे, बट जब तक आप पौधे को इंटरनल से पानी नहीं देने वाले हो, तो ऊपर से आप कुछ भी लगाते रहो तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो स्किन के लिए, हेयर्स के लिए अच्छा खाना खाएं, रूटीन अच्छे सेट करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आटे में अलसी मिक्स कर सकते हो अगर आपको सूट करती है, तो थोड़ी सी अलसी अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड कर कीजिए। कुछ लोगों को गर्म कर जाती है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा गर्म होती है, सो अगर सूट करती है तो उसको जरूर ले, बहुत अच्छी है आपके लिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। कुछ भी क्वेरीज होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करने वाला, आंसर होगा तो मैं जरूर दूंगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर। इस प्लान को जरूर फॉलो करना और मुझे पर्सनली कमेंट करके जरूर बताना या मैसेज करके कि आपने इस प्लान से कितना वेट लॉस किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिट रहिए, हेल्दी खाना खाइए और अपने सारी फैमिली को हेल्दी रखिए। बाय बाय।